हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग और आज के इस लेक्चर में हम गूगल अर्थ इंजन में अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे तो शुरू करते हैं लेक्चर को तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अर्थ इंजन में एक ब्लैंक स्क्रिप्ट ओपन की और उसका नाम जो है हमने अनसुपरवाइज क्लास के नाम से इस स्क्रिप्ट को सेव कर लिया है इसके बाद जो है अर्थ इंजन में सबसे पहला काम कोई भी स्क्रिप्ट रन करने से पहले आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन होना जरूरी है तो यहाँ पे हमें जिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे काम करना है कोई छोटा सा एरिया लेते हैं हम जैसे मध्य प्रदेश का एक रीजन है इसमें हमने एक ज्योमेट्री यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और आज के लिए ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और जैसे आप ज्योमेट्री क्रिएट करते हो यहाँ पे इम्पोर्ट सेक्शन में वो ज्योमेट्री एक वेरिएबल के फॉर्म में आ जाती है तो ज्योमेट्री की विजुअलाइजेशन यहाँ से ऑफ कर लेते हैं और अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें एक सैटेलाइट इमेज की जरूरत होगी तो सैटेलाइट इमेज आप यहाँ पे लैंड सेट एट या फिर सेंटिनल टू ए हाई रेजोल्यूशन की ये दो इमेजेस हैं जिसपे आप अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं सबसे पहला काम कर रही हूँ कि इम्पोर्ट कर लेते हैं सैटेलाइट इमेजरी तो सैटेलाइट इमेजरी इम्पोर्ट करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे नया और जिसको हम इमेज नाम दे देते हैं इस वेरिएबल को और एक इमेज कलेक्शन को इम्पोर्ट करते हैं जिसके लिए इई डॉट अच्छा अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन की कुछ लिमिटेशंस है तो उसको मैं अगर क्लियर करना कर दूं आपको तो मैं दिखा देती हूँ तो जब आप अर्थ इंजन के जो है डॉक्यूमेंटेशन वाले से, सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन के अल्गोरिदम में आएंगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जैसा कि पहला यहाँ पे पॉइंट है कि द सेम इनपुट शुड ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम आउटपुट बट रीऑर्डरिंग द द इनपुट कैन चेंज रिजल्ट ये क्लासिफिकेशन के लिए कि आप सेम इनपुट अगर बार बार दोगे तो सेम आउटपुट मिलेगा पर अगर आप जो इनपुट को रीऑर्डर करते हो तो आउटपुट भी आपका जो है इफेक्ट होगा उससे दूसरा है की ट्रेनिंग विद एज फ्यू एज टेन बैंड इन टू हंड्रेड के पॉइंट कैन प्रोड्यूस एन आउट ऑफ मेमोरी एरर मतलब की अगर जो ट्रेनिंग सैंपल अभी हम क्रिएट करेंगे उसमें अगर आप बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बैंड्स और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लेते हो

तो वापस चलते हैं अपने स्क्रिप्ट पे तो यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट जैसा कि मैंने बताया कि डेट रेंज जो है वो आपको छोटी डेट रेंज लेनी है तो ई e. डॉट इमेज कलेक्शन और इसमें जो हमें सेंटिनल टू ए लेना है तो सेंटिनल टू ए का जो कोड है वो कॉपी कर लेते हैं यहाँ सर्च करके तो यहाँ पे जो सेंटिनल टू ए है इसको ओपन करते हैं और इसका जो ये कोड है इसको कॉपी करके अपनी स्क्रिप्ट में पेस्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया है तो ये तो हमारी सेंटिनल टू ए की इमेज हो गई अब दूसरा काम हम करते हैं इसमें कि डेट रेंज डिफाइन करते हैं तो उसके लिए आपको लिखना है फिल्टर डेट फिल्टर डेट और डेट रेंज जो हम मार्च मंथ की ले लेते हैं 2022 की तो 2022 मार्च फर्स्ट से 2022 मार्च 25 तक ले लेते हैं डेट रेंज और उसके बाद जो है एक बाउंड्री भी आपको डिफाइन करनी है तो उसके लिए डॉट फिल्टर बाउंड डॉट फिल्टर बाउंड में जो आपको ये ज्योमेट्री जो हमने बना रखी है यहाँ पे ये जो है हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो इससे जो है यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपने ये जो लिए इमेज कलेक्शन लिए पर अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन जो है रन होगा वो एक सिंगल इमेज पे रन होगा इमेज कलेक्शन पे नहीं तो इसका जो है हम एक मोजैक क्रिएट कर लेते हैं इस इमेज कलेक्शन का तो डॉट मोजैक कर देना आपको तो इस इमेज कलेक्शन का क्रिएट हो जाएगा ये जो अलग अलग ये डॉट फिल्टर रेट डॉट फिल्टर बाउंस डॉट मोजैक जो ये अलग अलग स्टेप में अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करके भी ये रन हो सकता है पर इतनी मेहनत ना करके हम इसी वेरिएबल इमेज के अंदर ही जो है सारे इनपुट्स एक ही बार में प्रोवाइड करा देंगे इसके बाद जो है जब मोजैक हो जाती इमेज तो इसको क्लिप करना आसान होता है सिंगल इमेज है तो इसको इजीली जो है आप यहाँ तो बस आपने बाउंड्री एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन किया था अब अगले स्टेप में जब एक सिंगल इमेज आपको मिल जाती है तो ये इजीली जो है आप क्लिप कर सकते हैं अगर आपको इमेज कलेक्शन को क्लिप करना है हर एक इस इमेज कलेक्शन में जैसे आपके पास दस बारह इमेजेस होंगी तो उस दस बारह इमेज को एक साथ क्लिप करने के लिए अलग तरीके से क्लिप करना होगा पर इस इमेज कलेक्शन को जो है आपने मोजैक करके एक सिंगल इमेज बना लिया तो इसको जो है आप डायरेक्टली क्लिप कर सकते हैं तो डॉट क्लिप करके हमें जो है ज्योमेट्री जो है अपनी ये इनपुट दे देनी है। अब यहाँ पे हमने क्लिपिंग भी कर ली है अब एक और काम करते हैं हम सेंटिनल टू में आपको पता है कि बारह बैंड होती है तो हमें बारह बैंड की जरूरत नहीं है अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन के लिए हमें जो मेन मेन बैंड्स है वही चाहिए तो ये काम भी यहीं पे कर लेते हैं कि बैंड सेलेक्ट कर लेते हैं तो डॉट सेलेक्ट की हेल्प से जो आप सारे बैंड जो जो आपको नेसेसरी ने अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन के लिए वो यहाँ पे लिख देंगे तो बस आपको करना क्या है कि सिंगल कोट में जो है जैसे मैं बैंड थ्री से एट तक सेलेक्ट कर रही हूँ तो बैंड थ्री अगर आपको और कम नंबर ऑफ बैंड चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं तो बैंड थ्री बैंड फोर बैंड फाइव बैंड सिक्स बैंड सेवन बैंड एट ये छह बैंड हमने यहाँ पे ले लिए और ये बी थ्री बी फोर बी फाइव ये अपनी मर्जी से नहीं लिखते हम सेंटिनल टू ए जो इमेज हमने ली है इसके डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ बैंड्स वाले कॉलम में जो नेमिंग है बैंड्स की वो इसी तरीके से बी वन बी टू बी थ्री बी फोर इसी तरीके से है इसलिए हमने जो है ऐसे ही जो है ये इमेज सिलेक्शन के लिए इसे लिखा है यहाँ पे तो अब यहाँ पे हमने एक ही वेरिएबल के अंदर जो है सारे अपने जो फंक्शंस हैं वो डिफाइन कर दिए डेट को भी फिल्टर कर लिया हमने फिल्टर बाउंड भी कर दिया इमेज को मोजैक भी कर दिया उसको क्लिप भी कर दिया और बैंड भी सेलेक्ट कर लिए तो इतना कुछ कर तो लिया अब इसको एक बार प्रिंट करके और मैप में भी एड करके इसको चेक कर लेते हैं कि इतना कुछ कर तो दिया हमने ये सही आ रहा है या नहीं तो पहले तो इसको प्रिंट कर लेते हैं तो इस इमेज को प्रिंट कर दिया हमने और इसको मैप लेयर में भी ऐड कर लेते हैं तो मैप डॉट ऐड लेयर किसे हमें ऐड करना है मैप लेयर में इस इमेज को ऐड करना है विजुअलाइजेशन पैरामीटर्स नहीं दे रहे हैं और किस नाम से ऐड करना है तो इमेज के नाम से ही ऐड करना है अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं तो रन करते ये ब्लैक कलर का बन के आएगा क्योंकि हमने विजुअलाइजेशन पैरामीटर्स नहीं दिए हैं तो इसकी जो है पैरामीटर्स चेंज करते हैं इसको FCC में करते हैं एट फोर और थ्री और इसकी रेंज को स्ट्रेच कर देते हैं और इसको अप्लाई कर लेते हैं अप्लाई करते ही ये जो है, हमारी एफ सी सी इमेज बन के आ गई है अब इसके पैरामीटर्स जो है हमें यहाँ से भी मिल जाएंगे तो इसको इम्पोर्ट करके रख लेते हैं ताकि आप दोबारा रन करो तो ये पैरामीटर्स दोबारा से ना आपको डिफाइन करने पड़े तो यहाँ पे जो है इम्पोर्ट सेक्शन में विजुअलाइजेशन पैरामीटर्स आ गए इसको कॉपी कर लेना आपको और इस मैप डॉट लेयर में पेस्ट कर देना है तो अब कभी आप दोबारा इसको रन करोगे तो आपको पैरामीटर्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा आपकी इमेज जो है एज इट इज फॉल्स कलर में खुल के आएगी इसके बाद हम अगला स्टेप करते हैं अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन की तरफ तो सबसे पहले अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन में ट्रेनिंग सेट जो है हमें डिफाइन करने होते हैं यहाँ पे तो अगला स्टेप जो हमें करना है ये ट्रेनिंग डेटा सेट बनाने हैं तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं कि मेक द ट्रेनिंग डेटा सेट तो ट्रेनिंग डेटा सेट आपको कैसे बनाने हैं तो इसके लिए भी सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं ट्रेनिंग के नाम से और इसमें जो हमें सैंपल्स डिफाइन करने होंगे सैंपल्स डिफाइन किस पे करने है इस इमेज पे तो ये जो इनपुट इमेज है हमारी इस पे डिफाइन करने है तो सबसे पहले इमेज लिखनी है फिर डॉट सैंपल के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है और यहाँ पे किस एरिया में डिफाइन करनी है तो आपका जो रीजन है एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो हमारा जियोमेट्री है ये जियोमेट्री है एरिया ऑफ इंटरेस्ट कॉमन लगाना है किस स्केल पे आपको डिफाइन करनी है तो हमारी जो सैटेलाइट इमेज है ये टेन मीटर के रेजोल्यूशन की है तो स्केल भी जो है हम टेन मीटर दे देंगे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं ट्वेंटी थर्टी कुछ भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जिस भी रेजोल्यूशन में आपको चाहिए तो इसको टेन रखते हैं और इसके बाद नंबर ऑफ पिक्सल तो नंबर तो ऑफ पिक्सल्स भी जो है डिफाइन कर लेते हैं अभी के लिए तो ये जो है हमारा ट्रेनिंग सैंपल बन गया है थाउजेंड नंबर ऑफ पिक्सल्स यहाँ पे हमने जो एक सैंपल डेटा क्रिएट कर लिया है अब इसको जो है इनिशिएट करना है क्लस्टर के साथ और ट्रेन करना है तो इसके बाद हमें क्या करना है एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं क्लस्टरर के नाम से और यहाँ पे जो है मेन जो हमारा फंक्शन सुपरवाइज क्लासिफिकेशन के लिए जो यूज होता है उसको डिफाइन करेंगे अपने ये जो ट्रेनिंग सैंपल्स हमने क्रिएट किए इस पे तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा ईई डॉट क्लस्टरर क्लस्टर डॉटका और इसके बाद इसके बाद ब्रैकेट आएगा आपका और इस ब्रैकेट में जो है नंबर ऑफ क्लासेस आएंगे कि कितने क्लासेस में जो आप अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं यहाँ पे मैंने फाइव लिख दिया है क्योंकि फाइव क्लासेस में क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं इसके बाद आपको लिखना है डॉट ट्रेन ट्रेन किस पे करना है तो ये जो ट्रेनिंग सैंपल्स हमने क्रिएट किए हैं इस पे तो यहाँ पे फिर लिख देंगे ट्रेनिंग तो ये जो हमारा क्लस्टर फंक्शन के लिए ये अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन के लिए रेडी हो चुका है अब इसको जो है अपनी इमेज पे अप्लाई करते हो तो इमेज पे अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा आपको एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं वेरिएबल अनसुप के नाम से अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो और इसमें जो आपकी इमेज है ये जो इमेज है इस पे हमें अप्लाई करना है ये जो वेरिएबल हमने किया है क्लस्टरर को तो इमेज डॉट क्लस्टर एक फंक्शन लगाना है आपको और ये जो क्लस्टर हमने ट्रेन किया है डेटा सेट को अपने इसको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एंटर कर देना है तो ये जो आपका अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन के लिए वेरिएबल क्रिएट हो गया अब इसके बाद जो है मैप में हम अपनी लेयर को ऐड करते हैं तो मैप डॉट एड लेयर अनसुप और अनसुप को जो है हम एक रैंडम विजुअलाइजर इस पे अप्लाई करेंगे जिसमें जो अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन जो बन के आएगी हमारी वो ऑलरेडी जो है कलरफुल बन के के आएगी रैंडम रैंडम कलर्स में तो विजुअलाइजर बाद आपको एक ब्रैकेट लगाना है फिर कॉमा देना है फिर विजुअलाइजेशन पैरामीटर और कॉमा दे आपको इमेज का नाम लिखना है ये जो है हमारा अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन के लिए कोड रेडी है अब इसको रन करते हैं यहाँ पे ये एरर आ गया क्यूँकी ये रैंडम विजुअलाइजर का जो वी है ये कैपिटल रहेगा तो कोई भी फंक्शन आपने गलत कैसे लिखा है वो पता चल जाएगा आपको जब ये ब्लू कलर का नहीं होता ना कोई भी फंक्शन मतलब कि वो गलत है उसमें कोई कहीं पे जो है स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर अपर केस लोअर केस में कोई लेटर होना था वो नहीं है अब इसके बाद इसको रन करते हैं तो ये जो है हमारी पहली सैटेलाइट इमेज और इसके ऊपर जो है अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन आएगी तो ये जो रही आपकी अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन जो है फाइव क्लासेस में बन के आ गई तो इस मेथड से जो है आप इस के मीन्स फंक्शन का यूज करके जो है आप अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन इजीली कर सकते हैं अर्थ इंजन में तो आई होप कि आप सबको इस लेक्चर से अच्छे से समझ में आ गया होगा अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन अर्थ इंजन में कैसे करते हैं इसके बारे में तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच